नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, उन सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी दशहरा। तो दोस्तों चलिए आज मैं एक नए तरह का प्रैक्टिस और समय बताता हूं। दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने तो अभी एक दो वीडियो पिछले में हमने बताया है, और दोस्तों इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हमने जो बताया स्वर के बारे में, जो करीब करीब आधी घंटे का दोस्तों वीडियो है, उसको आप सभी लोग जरूर देखें। मैं अपनी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप उसे जरूर देखें और बड़े आराम से देखें। आप तब उस वीडियो को देखें जब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो, और हमने बहुत सारी बातों को समझाया है, उसको भली भांति समझें तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जरूर देखिए उसको। शायद वो एपिसोड 248 या 247 है, ठीक है, जो करीब करीब आधी घंटे का, 25 से 30 मिनट का वीडियो दोस्तों, जरूर देखिएगा। और दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं आप सभी को कि बहुत जल्द ही दुर्गा पूजा तो अब तो निकल जाएगा। थोड़ा हम लोग काम करने में थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन काम बहुत अच्छा करना था, इसलिए भी हम लोगों ने देर किया, इसलिए देर भी हुई। बहुत जल्दी एक हमारा भजन आ रहा है दोस्तों, माँ के शरण में, बहुत जल्दी एक शेरावाली का भजन आने वाला है जो YouTube पर आएगा दोस्तों। तो आप सभी अपना प्यार जरूर देंगे, बहुत जल्दी आएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप तरह तरह की रियाज कर रहे हैं और मैं भी तरह तरह की चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों क्या है कि कुछ ना कुछ और अब एक और अच्छी व्यवस्था की जाए, जिससे कि और ज्यादा फायदा आप लोगों को हमारे द्वारा मिल सके। तो दोस्तों मैंने सोचा है एक रियाज आप लोग यानी प्रैक्टिस ऐसा करें जो आप मॉर्निंग में करें, सुबह में करें, आपके पास जितना समय हो उतना ही करें। आपके पास आधी घंटा टाइम है, आधी घंटा करें, 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट करें, 15 मिनट टाइम है, 15 मिनट करें, लेकिन उसको रेगुलर करें, जिससे दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल एकाग्रचित होता है, बिल्कुल एकाग्रचित होता है, और वो जो काम होता है सुबह का वो काफी अच्छा होता है। आप स्वरों को समझेंगे, आपका प्रॉब्लम है गाना खुद से नहीं निकालना। हालांकि दोस्तों बहुत सारे के गाना निकलने भी लगा है और निकाल कर वो भेज भी रहे हैं हमारे पास कि देखिए सर हमने ये निकाला वो निकाला, और जिनका नहीं निकल रहा है वो आगे भी निकालेंगे। तो इसलिए मैंने दोस्तों एक सुबह की प्रैक्टिस जो आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो वो आप करते हैं लेकिन सुबह के समय करना, और थोड़ा कैसे करना है वो समझना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि साफ करना है और आंख बंद कर बड़े आराम से सुनना है उसको। और इसको मन में बैठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जो भी थोड़ा गुनगुनाते हो तो कम से कम साफ पर अगर आप जो मैं बता रहा हूं, बताने जा रहा हूं अभी, वो करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है, आग बंद कर लीजिएगा
सामने की तरफ देखिएगा और सा पर, पहली काली सा पर देखिए, मैं जहां जिस तरह से सीधा रखा हूं सामने की दीवार पर देख रहा हूं, हमारे सामने जो दीवार है वहां देख रहा हूं, और सीधा है गर्दन हमारी, ना नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं, नीचे की तरफ तो बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, कभी आवाज स्वर की जो आवाज है समझ में नहीं आएगी। तो देखिए पांच बार करेंगे, फिर रे पे आइएगा। वैसे तो नियम यह है कि सुबह खर्च की रियाज की जाए, लेकिन जो प्लेयर हैं बजाने वाले हैं तो वो ना करें, आप इधर कीजिए जो आपका काम है। फिर उसके पांच बार करने के बाद रे पर उसी तरह सांस भरकर बिल्कुल दोस्तों आंख जरूर बंद करेंगे। जब आप आंख बंद करेंगे सामने के तरफ देखकर अपनी हूं को स्वर में मिलाएंगे तो लगेगा कि आपको लगेगा ऐसा कि वो दिख रहा है, वो यानी स्वर को समझेंगे आप, और स्वर समझेंगे तो गाना निकलेगा ही निकलेगा, सीधी सी बात है। ABCD आएगी तो ए फॉर एप्पल आ ही जाएगी, और ABCD नहीं आएगी तो ए फॉर एप्पल कैसे आएगी। उसी तरह स्वर अगर समझ में आएगा तो गाना निकलेगा, और अगर स्वर ही समझ में नहीं आएगा तो गाना नहीं निकलेगा, ये तय है। तो मैं स्वर समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। फिर सात पांच बार करने का, रे पांच बार इस तरह से, देखिए मैं कर दिखा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करना है, हवा भर रहा है, आप आंख बंद कर लीजिएगा, मैं वीडियो पे आंख बंद करूंगा अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसी तरह ग को चार पांच बार रे को, तो पांच बार ग को आंख बंद कर पांच बार ग को आंख बंद कर रखिएगा, मैं खोलकर बता रहा हूं, आप आंख बंद कर रहे, जब आप आंख बंद करेंगे स्वर लगेगा ऐसा आपको ना कि वो दिख रहा है, अच्छी तरह सुनाई देगा, एक लगेगा कोई आकृति है इस तरह की लगेगा आपको, आप कोशिश तो कीजिए। फिर मां को पांच बार, फिर प को पांच बार, प को पांच बार, फिर ध को पांच बार, जब आप ध पे आएंगे पधा नीसा पे थोड़ा एफर्ट लगेगा, ताकत लगेगा, प तक नहीं लगेगा लेकिन ध नीसा पे लगेगा। सांस फिर भरेंगे, पांच बार ध पे, फिर पांच बार नी, पांच बार नी हो जाएगा, फिर पांच बार सा, मैं यहां हमिंग करना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्वर समझने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आप अगर हमिंग इस तरह की मुंह करने में दिक्कत हो तो आप भी कर सकते हैं उसी तरह आंख बंद कर हूं की जगह आ कीजिए, पांच बार पांच बार इसी तरह ऊपर जाए, फिर उसी तरह वापस भी आइए, आ
पांच बार, फिर ध को फिर प को फिर म को पांच बार, फिर ग को पांच बार, फिर रे को पांच बार, फिर सा को यानी जिनको हूं कर जाना है वो हूं करे, जिनको आ करना है आ करे। लेकिन करना कैसे है वो मैंने करके दिखाया, क्या करना है, कितनी लेंथ रखनी है, यानी 8-10 सेकेंड का, हर स्वर पर एक बार 8-10 से 10 सेकेंड, ठीक है, मैंने कर दिखाया है आपको। दूसरी चीज क्या करना है कि आपको गर्दन बिल्कुल नहीं करनी है, गर्दन कैसे रखनी है, बिल्कुल दीवार की तरफ सामने, ऐसे थोड़ा ऊंचा कर इस स्टाइल में, देखिए मेरे फिंगर को देखिए, यानी जब आप वीडियो में देखेंगे तो ये सीधा नहीं, ये ऐसे सीधा नहीं, ये थोड़ा ऐसे जैसे पहाड़ होता है ना, ऐसे इस तरह से देखिए, इस तरह का पहाड़ी बना हुआ, तो गर्दन आपकी ऐसे रहेगी सामने की तरफ, और आंख बंद कर लेंगे, और जब ऐसा करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा आंख बंद करने के बाद। आप कर तो देखिए, अगर नहीं होगा तब आप हमको कहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा कि सर जैसा आपने कहा था वो नहीं हुआ, 100% होगा ही होगा। इसकी आप प्रैक्टिस सुबह सुबह जरूर कीजिए और देखिए फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट्स करना ना भूले दोस्तों, कमेंट्स भी जरूर करें, और आप कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूं, और जब ये दोनों हाथ मिल जाएंगे तो ताली जरूर बजेगी, आवाज जरूर आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।